नमस्कार दोस्तों, स्तुति इलेक्ट्रिक सेल्स एंड सर्विस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों देखिए, हमारे पास एक स्टोव रिपेयरिंग में आया हुआ है और स्टोव में बहुत सारा काम है। दोस्तों एक तो इसका बर्नर गया हुआ है और दूसरा देखिए नीचे वाली कटोरी पूरी गई है और इसके पंप भी देखिए पूरी तरह ढीला एकदम। हमारे एक मित्र का कमेंट आ रहा था बार बार कि सर हमारे गाँव साइड में स्टोव बहुत आ रहा है और हमको रिपेयरिंग आता नहीं है, तो ज़रा सर वीडियो बना दीजिए ताकि हम जान जाएँ कि रिपेयरिंग कैसे करना है। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पास स्टोव रिपेयरिंग में आएगा तो सबसे पहले आपको इसके पंप ठीक करना है। पंप के अंदर ख़राबी क्या आती है, सबसे पहले आप वाशर देख लें। दोस्तों हमारा वाशर सही नहीं है, सबसे पहले वाशर डालेंगे फिर आपको आगे बताता हूँ क्या करना है। बेटा दोस्तों स्टोव रिपेयरिंग करने के लिए आपको ऐसे मंकी पकड़ होना जरूरी है और दूसरा ये निपल पाना है और ये वाल का पाना है और ये पकड़ है। दोस्तों ये निपल पाना, ये वाल का पाना और ये मंकी पकड़ और एक पकड़। दोस्तों बर्नर खोलने के लिए ये 18-19 नंबर फिक्स पाना, ये आपके पास होना बहुत जरूरी है। अगर आप स्टोर रिपेयरिंग करने का है तो ये आपके पास 4-5 आइटम तो होना चाहिए। अगर आपके पास इतने आइटम है तो आप स्टोर रिपेयरिंग कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारा सामान लगता नहीं है स्टोर रिपेयरिंग में, बस इतना चीज़ होना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं हम, ये जो हमारा वाशर डाल देते हैं। और दोस्तों अगर आप स्टोर रिपेयरिंग हमेशा करते हैं तो देखिए, मैं तो हमेशा अब स्टोर रिपेयरिंग कम आता है, पहले भी जा रहा था तो मैं क्या करता था, वाशर जो है हमेशा तेल में रहता था। देखिए हमारे आप देख रहे होंगे इसमें डब्बे के अंदर बहुत सारे वाशर हैं, पहले तेल भीगे हुए हैं। इससे क्या होता है, आप जिस पंप में डाल देंगे आपका एकदम वाशर रेडी है, ये तुरंत हवा पकड़ेगा। दोस्तों देखिए ये जो हमारा वाशर है, ऐसे लगाना नहीं है, ये आपको ऐसे लगाना है, जो एक खड्डे वाला भाग है ये आपको ऐसा नीचे रखना है, जो बिना खड्डा है इसे ऊपर रखना है और फिर इसके ऊपर ये वाशर लगा देना है। फिर दोस्तों ये वाशर लगाना बहुत जरूरी है, ये भी होना चाहिए, नहीं तो पंप खींचेंगे आप तो वाशर कट के और नट बाहर निकल जाएगा, वाशर अंदर गिर जाएगा। अब इसको फुल टाइट कर दें। दोस्तों टाइट करने के लिए आप चाहें तो यहाँ पाना का उपयोग कर सकते हैं या पकड़ से भी कर सकते हैं, मैं तो उसको पकड़ से कर दूँगा। पाना है मेरे पास, देखिए पाना मैं लेके नहीं आया, मैं दुकान में है तो मैं इससे पक्का स्टार्ट कर दूँगा। इसको ऐसा फुल टाइट कर दें। हाँ दोस्तों टाइट हो गया। अब दोस्तों देखें, अगर ये मुड़ा हो तो इसको अगर आप ऐसे यूज़ करेंगे तो वाशर कट जाएगा और मुड़ जाएगा तो हवा पकड़ेगा नहीं। तो आपको क्या करना है, अगर ये मुड़ जाए तो इसको ऐसे मंकी पकड़ से आराम से सीधा कर दें। देखिए मैं सीधा कर रहा हूँ। दोस्तों इस तरह से हमने बहुत सारे स्टोव रिपेयरिंग किए हैं और क्योंकि पहले लोगों पास गैस कम था, अभी लोगों ने गैस खरीद लिया है, लेकिन पहले ज़्यादातर लोग यहाँ पे जहाँ मेरा दुकान है इस एरिया में बहुत सारे लोग स्टोव वाले थे और अभी भी हैं स्टोव वाले। दोस्तों देखिए मैंने मंकी पकड़ सीधा कर दिया है। अब क्या करना है, अभी जो वाल वाला पाना हो या कोई सलिया हो ऐसा रखें, इसको ऐसा ठोक के सीधा कर दें ताकि आपका ढक्कन आसानी से बैठ सके। हाँ दोस्तों वहाँ सीधा हो गया। अब क्या करें दोस्तों, इसमें थोड़ा तेल लगा दें और दोस्तों जो आपको ऑयल लगाने का है हमेशा गाड़ी का ऑयल हो वो लगाने का है, या कि खोबरे तेल और मीठा तेल, राई का तेल, ये सब तेल नहीं लगाने का है। इसे हमेशा आप लगाएं गाड़ी का इंजन ऑयल या फिर गियर ऑयल। दोस्तों हमारे पास एक गियर ऑयल है, मैं एक गियर ऑयल लगा रहा हूँ। देखिए दोस्तों जाना कोशिश करें कि आप नया ऑयल का उपयोग करें, जले ऑयल का उपयोग कम करें। खैर स्टोव में कर सकते हैं आप, लेकिन पंखे वगैरह में टेबल फैन में तो बिल्कुल भी नहीं करना है। आजकल जले हुए ऑयल का केवल आप स्टोव के अंदर उपयोग कर सकते बस, इसके अलावा कहीं भी नहीं कर सकते। अब दोस्तों क्या करें, देखिए मैं इस तरह डाल रहा हूँ। दोस्तों वाशर डाले अंदर तो ध्यान रखें कि मुड़ने ना पाए एकदम। देखिए मैं किस तरह डाल रहा हूँ, एकदम प्याज डाले बिना मुड़े और फिर देखिए हाँ भर पकड़ा नहीं पकड़ रहा है। हाँ दोस्तों हाँ पकड़ रहा है, लेकिन एक मित्र का कहना है कि सर स्टोव रिपेयरिंग कैसे करते हैं उन्हें कुछ पता नहीं है, तो मैं सोचता हूँ कि उनको सारा काम बता दूँ स्टोव के अंदर स्टोव रिपेयरिंग कैसे करते हैं। इसके बाद सही है, लेकिन इसके बावजूद मैं खोलने जा रहा हूँ क्योंकि भाई को जानने का था
और मैं सोचता हूँ उनका काम चल जाए। दोस्तों देखिए मैंने वॉल पाना है ये, और हम इस वॉल पाने से ऐसे वॉल पाना अंदर डाल देना है और इस तरह से ऐसे घुमाएंगे जाके अटक जाएगा। देखिए अभी अटका नहीं है, अटक जाएगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा अटक गया। हाँ दोस्तों इसका जो वॉल है, इसका जो वॉल दोस्तों अंदर फैल गया है, आप देखेंगे इस तरह पानी डालेंगे नहीं पकड़ेगा तो समझ जाएंगे वॉल फैल गया है। तो आपको क्या करना है मैं आपको वॉल दिखाता हूँ। ये देखिए हमारा वॉल है, और कभी कभी क्या होता है अगर इसमें हमने पंप का डंडी लंबा लगा दिया तो जाके इसको ठोकर मारता है, जब ठोकर मारता है ये तो ये फैल जाता है, तो क्या होता है हमारा वॉल पाना लगता नहीं है। तो इसकी भी स्थिति वैसे ही है। तो आपको क्या करना है इसका पोजिशन देख लेना है कि इस तरह बैठ जैसे पोजिशन में ला के हल्का ठोक देंगे तो जाके वॉल पाना बैठ जाए उसके अंदर। अब दोस्तों देखिए मैं पोजिशन लेके अब इसे ठोकने जा रहा हूँ। हाँ दोस्तों इसको खांचा देख के बराबर उसके ऊपर रख के इसको ठोक दे हल्का हल्का। दोस्तों ठोकते समय ध्यान दें कि बहुत तेज नहीं ठोकना है, नहीं तो क्या होगा आपका स्टील का पाइप खराब हो जाएगा, क्योंकि वाल खराब है इसका भी, अभी अभी रॉकेट अंदर आ रहा है। तो ये आपको ध्यान देना जब भी ठोकेंगे बहुत प्यार ठोकना है और बराबर खांचा देकर ठोकना है, उसके ऊपर रख के सामान बैठ गया। ये दोस्तों को पता लगना चाहिए कि मैं कितना तेज ताकत लगा रहा हूँ, एकदम आराम से ठोकना है, जोर से आपने ठोका तो पक्का इस स्टोव काम तमाम हो जाएगा। ये देखिए हमने खोल दिया है और ये फैल गया था इसी इसलिए इसमें अटक गया है। देखिए और देखिए दोस्तों इसमें कचरा भी है, तेल नहीं था इसलिए पता नहीं लगता, ये वाल भी गई है फिलहाल क्योंकि धागा इसमें आ गया तो यहाँ पर रॉकेला बाहर आने लगेगा, तो मतलब वाल खराब ही है ये। दोस्तों वाल डालने नहीं क्या करना है आपको, सीधा ये ले इसमें इसे डाल दे, उसके बाद में इसको ऐसा हल्का ठोक दे, आप देखेंगे जाके बैठ जाएगा वो। हाँ दोस्तों बैठ गया हमारा ये, और फिर से इसको इस तरह से टाइट कर दें। दोस्तों टाइट करते समय ध्यान दें कि ताकत बहुत ज़्यादा लगाना है, नहीं तो आपका ये स्लिप हो जाएगा, दोबारा खोल लो तो खुलेगा नहीं। हाँ दोस्तों टाइट हो गया ये, हम फिर से देख लें इसमें गादड़ तो नहीं है, गादड़ हो तो गिरा दे, दोस्तों गादड़ नहीं है। अब दोस्तों फिर से पंप डाल दें इसके अंदर, हाँ दोस्तों हमारा पंप ओके हो चुका है। दोस्तों स्टोव रिपेयरिंग करने का सबसे पहला स्टेप ये है, आपका पंप सही हो जाएगा फिर आपको आगे पता चलेगा कि कहाँ पर लीकेज है क्या है। फिर आप क्या करें दोस्तों, ये जो स्टोव का जो निप्पल है इस पर अंगुली अंगुली रख दें और ये चाय बंद करने, फिर आप हवा हवा भरने। दोस्तों लीकेज चेक करने के लिए हमेशा लीकेज ऐसे चेक किया जाता है, ऐसा हवा भरने पूरा, फिर आप इस तरह से देख लें कहीं लीकेज तो नहीं है, कहीं भी लीकेज होगा तो आपको दिख जाएगा। फिलहाल दोस्तों इसमें लीकेज नहीं है, ये कहीं भी लीकेज नहीं है। और ऐसा भी देख लें कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो ढक्कन है ये लीकेज रहता है, तो ढक्कन में लीकेज नहीं है। अब दोस्तों देखो हमने चाबी खोल दिया है, चाबी खोल दे हवा निकल जाएगा जब तो अपनी अंगुली हटा ले। अब दोस्तों क्या करना है, दोस्तों देखिए निप्पल खोलने का है, निप्पल निप्पल पाना है, इसको बोलते हैं निप्पल पाना। अगर आपको देखिए इसमें एक निप्पल है, अगर ये आपको निप्पल खोलने का है तो आप किसी पाना पकड़ से भी खोल पाएंगे, इसके लिए आपको निप्पल पाना जरूरत पड़ती है। और दोस्तों जब निप्पल खोलना हो तो स्टोव के अंदर बर्नर लगा हो तब खोलना आसान रहेगा, अगर आप सोचेंगे बर्नर खोल के तब निप्पल खोलूँ बहुत मुश्किल होगा। तो हमेशा कभी भी आपको निप्पल निकालने का है तो स्टोव के अंदर लगा हो बर्नर तब निप्पल निकालें। अब दोस्तों क्या करना है, ये निप्पल पाना लें और इस तरह से इसमें डाल दें, और फिर दोस्तों क्या करना है आपको इस तरह नहीं खोलना है, खोलना है तो अपनी तरफ ले पाने को और बर्नर के ऊपर ऐसा आधार बनाएं बर्नर को, और फिर इस तरह से पकड़ें और ये खोल दें। देखिए खुल गया ये, दोस्तों देखिए हमारा निप्पल, दोस्तों देखिए हमारा निप्पल खुल गया है ये देखिए।
आपको निप्पल लगा दिखाता नया मैं दोस्तों, इसके बारे में ख़राब है, फिर भी एक मित्र हैं उनको निप्पल खोलने का था, खुल नहीं रहा था, तो इसलिए स्पेशल मैं उनके लिए बना रहा हूँ ताकि मतलब देखिए दोस्तों निप्पल नया है। अब दोस्तों निप्पल लगाने के लिए आप ऐसे अपनी दो उंगली ले, ऐसे ले और ये देखा ऐसे लाए, यहाँ से लाए और आराम से इसको घुमा दें दोस्तों, एक आटा बैठ जाएगा दो आटा, उसके बाद फिर से पाना स्टार्ट कर दें। देखिए हमारा बैठ गया निप्पल, अब फिर से ये पाना ले दोस्तों, टाइट करते समय ऐसा था, खोलते समय अब फिटिंग के टाइम पे ऐसा लाए, इस तरफ अपने दाएं तरफ, अपने नज़दीक नहीं अपने अपनी बाहर तरफ लाए और फिर ऐसे टाइट करें। दोस्तों देखिए हमारा निप्पल टाइट हो चुका है। अब दोस्तों इसका स्टोव बर्नर बदली करने का है, दोस्तों बर्नर बदली करने के लिए आपको ये 58 पाना लगता है दोस्तों, आप डायरेक्ट खोलेंगे कि पाइप चला सकता है। जब कभी आपको स्टोव बर्नर खोलना हो तो आपको ये मंकी पकड़ होना बहुत ज़रूरी है, बिना मंकी पकड़ के आपने बर्नर खोलने की कोशिश की तो पक्का ये पाइप बेंड हो जाएगा और स्टोव लीक हो जाएगा। तो पहले मंकी पकड़ दे, इस तरह से इसको पकड़ ले, ये देखिए मैंने पकड़ लिया है, और ये फिर 58 पाना ले, इस तरह लगा दे और ऐसे खोल ले। दोस्तों खोल दें, ये खुल गया, अब इसको थोड़ा ऐसा ऊपर उठा दें, इसमें घाते डे घाते गिर सकता है, इसलिए हमेशा ऐसा करें, घाते गिरेगा नहीं। दोस्तों देखिए हमने ये खोल दिया बर्नर, अब दोस्तों क्या करना है, ये आप नया बर्नर लें, देखिए नया बर्नर है हमारे पास दोस्तों, जो वासा जाता है ये वासा सही नहीं आता है, मैं हमेशा दोस्तों धागा लगाता हूँ, ये मेरे पास धागा देखिए भाई, धागे उपयोग करता हूँ और कभी लीक नहीं होता। अब मैं क्या करूँगा, मैं धागा ये बर्नर ये वासा निकाल दूँगा, फिर आप क्या करें, ये देखिए अपना धागा ले और इस तरह से अपनी उंगली में लपेट ले अंगूठे में, और केवल दो राउंड लपेट लें, फिर ऐसा खींच दें ये टूट जाएगा, टूट गया ये। अब फिर से आपको क्या करना है, इसको निकाले ना, अपने अंगूठे उसके ऊपर रखें और अंगूठे ऊपर रखने के बाद में डायरेक्ट इसके अंदर निकालें, ये देखिए अभी इस तरह का वासा बन गया ये, और जाके पूरे टाइट हो गया ये। फिर क्या करें, फिर ये वासा रख दें, ये वाटी रख दें नीचे वाली, फिर से अपने उंगली के अंदर दो राउंड लपेट दें, ये देखिए लपेट दिया, और ये फिर से इसको ऐसे लाके इसमें लगा दें। हाँ देखिए दोस्तों हमारा लग गया ये, अब क्या करना है, आराम से इसको टाइट कर दें। दोस्तों टाइट करते समय आपको मंकी पकड़ नहीं उपयोग करना है, क्योंकि मंकी पकड़ उपयोग करेंगे तो आपका हो सकता है कि बड़ा टाइट ना हो। अब क्या करना दोस्तों, जो टेबल आपका ये टेबल का आधार बनाए ऐसा, देखिए मैं किस तरह पकड़ा हूँ, और फिर अपने पाना से ऐसे टाइट करते जाएं। दोस्तों ऐसे घुमा के देख ले, हाँ दोस्तों मैं टाइट हो चुका बन ले। अब दोस्तों क्या करें, अब ये वाटी इसके ऊपर रख दें। अब दोस्तों क्या करना, जला के चेक करना है कि हमारा स्टोव सही हुआ कि नहीं हुआ। दोस्तों इसमें गाजरेट कम है, इसमें गाजरेट कम है तो इसके लिए मैं थोड़ा इसके ऊपर रखूँगा ऐसा, ताकि इसकी हाइट बढ़ जाए, गाजरेट यहाँ तक आ जाए। अब दोस्तों क्या करें, स्टोव जला लिए, स्टोव जला दोस्तों, नया स्टोव है ये बनल नया है, तो आपको ऐसा धागा रखना पड़ेगा नीचे, क्योंकि नहीं तो पकड़ेगा नहीं, इसमें कुछ कचरा तो है नहीं, ऐसा धागा रख लें, चाय बंद कर दें, सबसे पहले दोस्तों हवा भर दें। दोस्तों देखिए घाटे हमारा आ चुका है, दोस्तों देखिए ये माची लगा दें जलने लगेगा, दोस्तों गर्म हो तो रुके, फिर से हवा ना मारें, अगर आपने तुरंत हवा मार दिया तो इसको प्रभाव जलेगा नहीं, फिर बार बार भाग भूख करता रहेगा और जलने में बहुत टाइम लगेगा, इसके थोड़ा टाइम दें, इसे गर्म होने दें, जब पूरी तरह गर्म हो जाए तब उसके बाद में पम मारें। दोस्तों हमने कहा आप लोगों से पहले ही कि दोस्तों जितना काम मुझे आता है मैं सब कुछ आप लोगों को सिखा दूंगा, बस आप लोग थोड़ा प्रयास कीजिए करने के लिए, और काम से पहले डरे नहीं दोस्तों, क्योंकि जब तक आप डरेंगे तब तक आपसे कुछ होने वाला नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए, आप किसी काम से घबराएं ना, घबराते क्या होता है, हमारी ताकत कम हो जाती है, हिम्मत बनाए रखें कि मैं कर सकता हूँ, जब आपने सोचा कि
कि मैं कर सकता हूँ, उसके बाद आपसे कोई काम बड़ा नहीं है, आप हर काम कर सकते हैं। दोस्तों गर्म होने तो रुके, दोस्तों काफ़ी गर्म हो चुका है, इसको चाबी बंद कर दें। दोस्तों जो तरीका बता रहा हूँ मैं स्टोव जलाने का, इस तरह से आपको स्टोव जलाने में बहुत आसानी होगी और आप आराम से स्टोव जला पाएंगे बिना कोई तकलीफ का। दोस्तों हमारा ये पिन है, अगर नहीं जलता तो इसका उपयोग करना पड़ता है। अब दोस्तों गर्म हो गया ये, अब इसको आराम आराम से पंप मार दें। स्टोव जल गया, ये हवा बात चेक कर लें और एकदम बराबर जल रहा है। दोस्तों हमारा स्टोव रिपेयर हो चुका है, आशा करता हूँ कि आपको स्टोव रिपेयरिंग के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। आप इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लेंगे, आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा स्टोव में क्या क्या प्रॉब्लम होता है। और हाँ दोस्तों एक बात बताया है, दोस्तों ये जो स्टोव होता है अगर ये टाकी लीक हो जाए, पाइप लीक हो जाए, तो रिपेयरिंग करने की कोशिश ना करें, सीधा भंगार बेच दें, ग्राहक को बोलें कि नया खरीदो। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों आप लोगों ने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।